आपने जो अभी नेमार वाला वीडियो देखा, इस तरीके के नेमार वाला वीडियो टिकटॉक पे काफी तेजी से वायरल होता है और इस तरीके के वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं। और आप अगर ट्रेंडिंग साउंड के ऊपर इस तरीके के वीडियो को बनाएंगे तो आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस तरीके के नेमार वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइनमास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद प्लस आइकन को दबाना है, 16 नाउ का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक मीडिया में जाना है और एक बैकग्राउंड को लेके आना है और इसका लेंथ खींच कर 15 सेकेंड के करीब कर देना है। इस तरीके से हमारा इसका लेंथ हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें कृष्ण भगवान जी के बैकग्राउंड को लेके आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और कृष्ण भगवान के बैकग्राउंड को लेके आना है। तो ये हमारा कृष्ण भगवान जी का बैकग्राउंड है, इसे सिंपली मैं लेके आया, इस पर क्लिक करना है और इसे थोड़ा बड़ा कर देना है। इस तरीके से हमें बड़ा करके यहाँ पे खींच के लेके आना है। आप दोनों साइड से किसी भी साइड में कर सकते हैं, मैं इस साइड में किया हूँ। उसके बाद दोस्तों सिंपली दाहिनी तरफ जाना है और क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये करना है और इसे यहाँ तक क्रॉप कर देना है। इस तरीके से हमें क्रॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और हमें लिखना है जय श्री कृष्ण। उसके बाद दोस्तों सिंपली ओके कर देना है और इसके फॉन्ट को बदल देना है। इसके लिए डबल ए पे क्लिक करना है, डिस्प्ले में जाना है और आप कोई भी ले सकते हैं, मैं ये वाला लेता हूँ और इसे सिंपली यहाँ पे बड़ा कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से सजा लेना है। और ये थोड़ा इधर हो चुका है, इसे खींच के वीडियो के अनुसार बड़ा कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें टेक्स्ट वाले कलर का इफेक्ट लेके आना है। इसके लिए हमें सिंपली लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस कलर वाले इफेक्ट को लेके आना है। तो ये हमारा कलर वाला इफेक्ट है, इसे सिंपली यहाँ पे लेके आना है, इसके अनुसार टेक्स्ट के अनुसार रखना है यहाँ पे और सिंपली दाहिनी तरफ जाना है और क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, मिलेगा, उसमें इसे इतना तक क्रॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ जाना है और आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों थोड़ा इसे ब्राइट करने के लिए, ये थोड़ा अंधेरा है, इसमें टेक्स्ट को ब्राइट करने के लिए कलर वाले लेयर पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ जाना है और हमें सिंपली एडजस्ट में जाना है और अपने हिसाब से इसे आपको बढ़ा देना है, इससे ये टेक्स्ट थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर तैयार हुआ है। इसमें दोस्तों एक और इफेक्ट ऐड करना है ताकि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगे देखने में। इसके लिए सिंपली हमें लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और इस वाले इफेक्ट को लेके आना है। ये वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें देखने में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ सजा लेना है। उसके बाद दोस्तों दाहिनी तरफ जाना है, ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन मोड कर देना है ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो सके। उसके बाद दोस्तों हमारा वीडियो कुछ रेडी हो चुका है, इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। इसका साउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और इस तरीके की वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं। इस तरीके की वीडियो को आप बहुत ही आसान तरीके से अपने काइनमास्टर की मदद से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए सिंपली शेयर बटन पर क्लिक करना है और अपने फाइल के साइज को चुनकर इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं और अपने टिकटॉक पर लाइक्स और फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।